हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फोनफिक्स हैदराबाद का नेक्स्ट बैच 27 जुलाई से है, जिसकी फ्यू सीटें लेफ्ट है। अगर आपको एक क्राउड में काम नहीं सीखना है, 50-50, 60-60 बंदों के बीच में बैठ के अपना टाइम और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आपको ख़राब नहीं करना है, तो आप फोनफिक्स हैदराबाद जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ 15 से 20 स्टूडेंट ही होते हैं बैच के अंदर, और एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन आपको बनाया जाता है, जहाँ पे सर्किट की एक पूरी डीप नॉलेज, डीएसओ का कैसे हमें इस्तेमाल करना है, डीसी से कैसे शॉर्टिंग लीकेज फुल शॉर्ट कैसे पकड़ना है, एक डायरेक्ट सोल्यूशन होता है। डीसी की रीडिंग देख के, डीसी की जो एम्पियर कंजप्शन है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर एसी फॉल्टी है या सीपीयू फॉल्टी है या फिर आपके हैंडसेट में एमएमसी या यूएफएस का प्रॉब्लम है। बहुत ईजिली आप पहचान सकते हैं। शॉर्टिंग निकालने का इतना इजी ट्रिक आपको दे देंगे कि दोस्तों चुटकियों में आप शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, चाहे सेकेंडरी शॉर्टिंग हो या प्राइमरी शॉर्टिंग हो या लीकेज हो या फुल शॉट हो या हाफ शॉट हो। अगर आपको डेड मोबाइल बनाने नहीं आ रहा है, अगर आपको सेक्शंस रिपेयर करने नहीं आ रहा है कि प्रॉपर लाइट सेक्शन काम कैसे करता है, ग्राफिक सेक्शन काम कैसे करता है, एनालॉग और डिजिटल वोल्टेजेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या है, एसपीएमआई प्रोटोकॉल क्या है, एसपीआई प्रोटोकॉल क्या है, आई2सी प्रोटोकॉल क्या है, ये सारे सिग्नल लाइंस होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डीएसओ का क्या कुछ काम आता है कि नहीं भी आता है डीएसओ। दोस्तों, जिसको चलाने नहीं आएगा, जिसको डीएसओ का इस्तेमाल करने नहीं आएगा, वो आपको ऐसे ही बताएंगे कि डीएसओ का उतना ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको डीएसओ की ट्रेनिंग भी नहीं देंगे। फोनफिक्स हैदराबाद में आपको डीएसओ की एक प्रॉपर जानकारी देंगे। हर सेक्शन में, लगभग हर सेक्शन में दोस्तों डीएसओ का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको चलाने आना चाहिए। कहाँ पे चेक करना है, कौन सी लाइन पे चेक करना है, कौन से ट्रैक पे चेक करना है, क्या सिग्नल आने चाहिए, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, डाटा के पैकेट्स कैसे आते हैं, राइज और फॉल क्या है, एवरेज क्या है, मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज में क्या डिफरेंस है, ये देखने अगर आपको आएगा तभी ना तो आप चेक कर पाएंगे। बहुत सारी लाइनें होती है मोबाइल के अंदर, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो सेट आपका चालू नहीं होगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ हैंडसेट लाइए, विदाउट डायग्राम विदाउट नॉलेज हम डायरेक्टली ट्रिक देंगे, 2 से 3 ट्रिक में मोबाइल बन जाएगा। ऐसा हर हैंडसेट में नहीं होता फ्रेंड। हाँ, जरूर बनते हैं, 50% केसेस ऐसे आते हैं आपके 3 से 4 स्टेप में आपका मोबाइल बन जाता है, लेकिन सारे 3 से 4 स्टेप में नहीं बनेंगे। आपको बहुत चेकिंग करनी होती है, 1-1 घंटा कभी कभार चेक करना होता है आपको, हैंडसेट को अच्छी तरीके से देखना होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। जब प्रॉपर नॉलेज है तभी तो आप उसके पीछे टाइम दे पाएंगे, नहीं तो बोल देंगे 10 में से 3 वापस जा रहे हैं क्योंकि 3 में बहुत ज्यादा फॉल्ट था, कस्टमर ने बहुत छेड़ दिया था, 4 जगह स्टूडेंट ने बता दिया था, ऐसे बताएंगे आपको। तो दोस्तों, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं आपको, मार्केट में ये सब चल रहा है, अगर खुद से रिपेयर करने नहीं आएगा वो हैंडसेट बना देंगे जिसमें इजी फॉल्ट था, लेकिन जिस हैंडसेट में बड़ा फॉल्ट है, जिसको ढूंढना है, स्टूडेंट के लिए बड़ा फॉल्ट है वो, दुकानदार के लिए बड़ा फॉल्ट है वो, लेकिन जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए हर फॉल्ट एक जैसा होता है, कोई भी फॉल्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे फॉल्ट फॉल्टी होते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी उसको रिपेयर कर सकते हैं। किसी चीज को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई चीज जल्दी मिल जाती है, तो बस आपको सेक्शन की नॉलेज होगी, डायग्राम की नॉलेज होगी, तो बहुत इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। डीसी मशीन से कैसे रिपेयर करना है उसकी नॉलेज होगी, तो आप बहुत इजीली आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल का काम ऐसा है, ये आप जितना काम करते जाएंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। किसी के भी पास जाकर बैठ जाइए, आप इंडिया के अंदर किसी भी बड़े से बड़े तुरम खान के पास जाके बैठ जाइए, वो आपको अपना सालों का एक्सपीरियंस बता सकता है, दिखा सकता है, समझा सकता है, लेकिन दे नहीं पाएगा। एक्सपीरियंस आता है बैड एक्सपीरियंसेस से, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। और बैड एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप ट्राई करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे। सिर्फ देखने से 10 दिन 20 दिन आपको कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स, आपको काम करते रहना है। आप सिर्फ इंस्टीट्यूट में तरीका सीखते हो कि वो टीचर कैसे काम कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट में कैसा काम सिखाया जा रहा है, उनके स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है आपको तो आप नहीं बना पाएंगे। अगर नॉलेज है, अगर आपके पास आपको पता हो गया कि कैसे रिपेयर करना है, तो बहुत ईजिली आप रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक हैंडसेट दे देता हूं आपको, बोलता हूं इसका पासवर्ड आप ओपन करो, तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं इसका पासवर्ड, तो बहुत इजीली आप इसको ऑन कर लेंगे, लॉक को खोल लेंगे, क्योंकि पता और ना पता में ही डिफरेंस है। तो क्या पता करना है, जितना आपको टीचर बताएगा आपको, जितना उनका एक्सपीरियंस है। और एक फ्रेंड्स है, हर टीचर हर इंस्टीट्यूट का टीचर किसी न किसी के पास सीखता है, ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से कहीं सीख के आता है।
हर एक बंदा किसी न किसी से सीखता है और वो सीख कर ही दूसरों को सिखाता है। जो उसके गुरु से उसको मिला और इसकी खुद की जो क्वालिटीज है दोनों को मिला करके एक वो कॉम्बो बना देता है, अपने गुरु के पास की नॉलेज और अपनी नॉलेज दोनों को मिलाकर अपना एक्सपीरियंस एक कॉम्बो बनाकर आपको देते हैं। और फ्रेंड्स, मोबाइल के काम में आपको बता दूं, कोई भी ऐसा इंडिया में कोई भी ऐसा टेक्नीशियन, कोई भी ऐसा ट्रेनर, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट वाला नहीं होगा जो कि सिर्फ एक ही बंदे से सीखा होगा। अगर जितना बड़ा टेक्नीशियन होगा, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, जितना बड़ा वो ट्रेनर होगा, वो उतने सारे लोगों से सीखा होगा, बहुत सारे उसके गुरु होंगे और आज भी वो बंदा सीख रहा होगा जो बंदा टीचिंग दे रहा है, टीचिंग कर रहा है, काम सिखा रहा है और जो काम कर रहा है तो वो हर दिन वो सीख रहा है, वो ऑलवेज स्टूडेंट रहता है। बोलते हैं इसको ट्रेनर, आप लोग टीचर बोलते हैं, आप लोग ट्रेनर बोलते हैं, ये आप सबका प्यार है, बस एक टीचर जो होता है एक्चुअल में वो एक स्टूडेंट होता है। हर दिन वो नया कुछ सीखता है, हर दिन वो एक नया करने की सोचता है। जब वो काम करता है, पीसीबी लेकर हाथ में बैठता है तो उसको बहुत सारी नई नई चीजें मिलती हैं। वही चीज अपना टाइम और मनी दोनों निकाल करके लेटेस्ट हैंडसेट में रिसर्च करके एक टीचर्स आप लोगों को कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्किट हमारे लिए वेट नहीं करेगा। अगर हम सर्किट को अपडेट होने के बजाय बैठे रहेंगे तो हमारा हाल नोकिया मोटरोला जैसा हो जाएगा। मार्केट में इंटेक्स लावा कोई अभी जानता नहीं है, सिर्फ अभी जो चलते हैं मोबाइल रियलमी ओप्पो वीवो वन प्लस के हैंडसेट, यही जो अपडेट होते हैं, जो सैमसंग का मोबाइल अपडेट हो रहा है इसलिए मार्केट में टिका है। हमें भी अपडेट होने की जरूरत है फ्रेंड। फोनफिक्स हैदराबाद में एक अच्छी लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों, 10,000-15,000 में आप लोग जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टीचर भी टाइम पास कर रहा है, 50-50 बच्चों के बीच में बैठ रहे हैं, क्राउड देख के जा रहे हैं, तो टीचर उतना आप पे फोकस नहीं कर पाएंगे जितना कम से कम स्टूडेंट के ऊपर फोकस करते हैं। हजारों की तादाद में चले जाएंगे तो आप कौन से कोने में रहेंगे आपको खुद पता नहीं, कहां सीट मिलेगी आपको समझ में भी आने वाला है नहीं। हजार बच्चे हैं, अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के माइंड में एक एक क्वेश्चन होगा, उतने सवाल होंगे उनके, उतने माइंडसेट के लोग होंगे, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, आप उनके बीच में रहेंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब समझ में सारी चीजें नहीं आती है तो आप वो काम ही छोड़ देते हो। आपका लेवल अलग है, आप बेसिक वाले स्टूडेंट के साथ बैठ गए, या बच्चा बेसिक का है वो जाके एडवांस वाले स्टूडेंट के साथ बैठ गया तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। हमारे यहाँ पे फ्रेंड बैकअप सपोर्ट होता है, कोर्स करके जाने के बाद भी हम टीम वर्क के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू उनको क्लासेस देते हैं, जूम की क्लासेस देते हैं जिसमें घंटा दो घंटा उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, हैंड स्किल परफेक्ट करा के भेजते हैं। 10 घंटा पूरा आपका क्लास होती है जिसमें 3 घंटा थ्योरी और 7 घंटा आपका हैंड स्किल का काम होता है, जिसमें ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डुअल डेकर, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम, आईसी का डाटा बनाना, आईसी का जीआर बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीज आपको सिखाते हैं दोस्तों। फोनफिक्स हैदराबाद में आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाने की कोशिश करते हैं, यही एक रीजन है हमारे स्टूडेंट जाकर बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। पूरा यूट्यूब चैनल मान लीजिए, पूरा गूगल सर्च मार लीजिए, पूरे इंस्टीट्यूट वालों के बच्चों को जाके देख लीजिए, फोनफिक्स हैदराबाद के बच्चे चैलेंज के साथ बता सकता हूं मैं, जितना प्रैक्टिस में वर्क करते हैं, जितना हैंड स्किल का काम करके दिखाते हैं, पूरे इंडिया में कोई नहीं दिखाता, चैलेंज के साथ बोलता हूं मैं आपको। यहां पे लैपटॉप देते हैं हम लोग, डायग्राम डाल के देते हैं, बोर्नियो सबके पास अपना सेटअप होता है, पूरे ब्रांडेड टूल्स होते हैं और सबसे बड़ी बात 5-6 टीचर्स मिलकर उनको ट्रेन करते हैं। तो दोस्तों मर्जी है आपकी, कहीं भी जाइए, हजारों के बीच में जाके बैठिए, हमको कोई लेना देना है नहीं। हमारे पास हम 10 से 15-20 स्टूडेंट ही लेंगे, ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेंगे, 15 से 20 से ज्यादा स्टूडेंट हम नहीं लेते हैं। अगर आप आएंगे भी तो हम नेक्स्ट बैच में बुलाएंगे, हमारे पास लिमिटेड सीटें ही होती है, आना है आप आ सकते हैं। 27 जुलाई से नेक्स्ट बैच है, फ्यू सीटें लेफ्ट है, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, अगर एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है। हजारों लोग इस साइड जा रहे हैं तो आप इस साइड जाइए, सबके बीच में मत जाइए, कॉम्पिटिशन के बीच में मत जाइए, आप कुछ अलग करिए, कुछ अलग करके दिखाइए आप। तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो जुड़ सकते हैं फोनफिक्स की टीम के साथ, व्हाट्सअप करिए, डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। सिर्फ 8 दिन बचे हैं, कुछ ही सीटें हैं, अगर आना है तो आ सकते हैं। अपना टाइम पैसा दुकान में बैठ के वेस्ट मत करिए, कस्टमर का काम खराब मत करिए और अपना माइंड खराब मत करिए, पॉजिटिव रहिए, काम सीखिए अच्छी जगह पे। गलत जगह जाओगे, पैसा, टाइम और माइंड और पॉजिटिविटी सब खराब हो जाएगी आपकी। अच्छी जगह आइए, सीखिए, काम करिए, फूल कमाइए, खूब कमाइए, बहुत स्कोप है इस लाइन में, बहुत पैसा कमा सकते हैं। पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है आपका, दोबारा कभी भी आना है दोबारा भी आ सकते हैं, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, एक टेक्नीशियन भाई के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऐसे ही आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।